जो है आप स्क्रीन शेयर कर दे, टाइम हो चुका है। आज हम ना थोड़ा सा एलजी के कुछ एलजी को स्टार्ट करने जा रहे थे, कुछ उसके यूनिक करेक्टर वगैरह आज हम देख लेते हैं, उसके बाद फर्दर जो ग्रुप्स हैं कल जो है उनको देख लेंगे, उनमें क्या क्या डेटा मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैगम अब्बास और आज हमारा टॉपिक जनरल करेक्टर ऑफ एलजी। जी सबसे पहले वहाँ पे देख लेते हैं ऊपर क्या आ रहा है। जी सबसे पहले देख लेते हैं कि एलजी के कुछ जनरल करेक्टर या हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं एलजी को। कोई भी अगर आपसे इन शॉर्ट में पूछे कि एलजी है क्या, आप क्या कहेंगे? क्लोरोफिल बेरिंग ऑर्गेनिज्म विद द थैलस लाइक प्लांट बॉडी। ठीक है, क्लोरोफिल बेरिंग ऑर्गेनिज्म विद द थैलस लाइक प्लांट बॉडी, ये एक सिंगल सेंटेंस में हमने क्या किया, एलजी को डिफाइन किया। उसके बाद मजीद कुछ इसके आप कह सकते हैं यूनिक करेक्टर है। थैलस में क्या है, लिटिल डिफरेंशिएशन ऑफ ट्यूब टिश्यूज। एलजी में ट्यूब टिश्यू जैसा कि जालम फ्लोएम जो है वो एब्सेंट होते हैं, वो मौजूद नहीं होते। उसके बाद वो कहते हैं कि कुछ एलजी जिसमें इवन के थैलस कॉम्प्लेक्स भी है, कहते हैं उनमें भी वास्कुलर टिश्यू वगैरह एब्सेंट है। ठीक है, या एपिडर्मस विद स्टोमेटा, इस तरह के स्ट्रक्चर नहीं होते, लैक वास्कुलर टिश्यूज एंड एपिडर्मस विद स्टोमेटा। अच्छा, सेक्स ऑर्गन्स कैसे होते हैं? सेक्स ऑर्गन कहते हैं वन सेल्ड होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। कहते हैं व्हेन मल्टी सेलुलर, ईच सेल इज फर्टाइल एंड देयर इज नो जैकेट ऑफ स्टीराइल सेल्स। ये जैकेट ऑफ स्टीराइल सेल्स ये हम देखते हैं आमतौर पे, नेक्स्ट जो ग्रुप है ब्रायोफाइट्स उनके अंदर आमतौर पे मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। अच्छा, एक और है कि नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन आफ्टर गैमेटिक यूनियन। आमतौर पे अगर हम प्लांट का बिहेवियर देखते हैं तो उनमें स्पर्म और एग जब फ्यूज करते हैं तो जायगोट बनता है, वो डिवाइड होकर एम्ब्रियो बनाता है। एम्ब्रियो क्या होता है, आप कह सकते हैं कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर पैगाम मौजूद है, किस चीज के लिए, स्टेम के लिए, रूट के लिए, लीफ के लिए, वो एम्ब्रियो होता है। ठीक है, या जिसके अंदर हम देखते हैं प्लम्यूल है, रेडिकल है, वो हमारे पास एम्ब्रियो होता है, लेकिन यहाँ पर हम कहते हैं कि एम्ब्रियो मौजूद नहीं होता। नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन आफ्टर गैमेटिक यूनियन मतलब कैसे होगा, स्पर्म एग ने क्या किया, स्पर्म एग को फर्टिलाइज किया, जायगोट की बना, जायगोट डिवाइड करके कोई आप कह सकते हैं कि एक प्रॉपर शेप में एम्ब्रियो नहीं बनाता, बल्कि वो वही थैलस लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बना देता है। उसके बाद हाँ जी, हम आमतौर पे ये भी बहुत देखते हैं कि कौन सी जनरेशन डोमिनेंट है किसी प्लांट के अंदर और कौन सी है हम कहते हैं कि वो दूसरे पे डिपेंड कर रही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बोथ द जनरेशन व्हेन रिप्रेजेंटेड इन द लाइफ साइकिल आर इंडिपेंडेंट। दो नो एलजी विद द स्पोरोफाइट पैरासाइटिक ऑन द गेमेटोफाइट। इसमें हमने कहा कि दोनों जनरेशन क्या है, इंडिपेंडेंट होती है। और चंद एक एग्जांपल के अलावा मेजोरिटी जो एलजी है वो हमारे पास क्या होती है, एक्वेटिक होती है। उसके अलावा अंडर फेवरेबल कंडीशन गेमेटोफाइट मल्टीप्लाई करते हैं और किसी मदद से कुछ एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं माइटोस्पोर्स का। ये तो मैंने आपको ना कुछ इसके जनरल करेक्टर वगैरह बता दिए, या पता होना चाहिए कोई आपसे पूछे हाँ जी एलजी के बारे में बताएं, तो आप ये चार पांच सेंटेंस बता सकते हैं कि थैलस लाइक बॉडी है, क्लोरोफिल मौजूद होता है, नो वास्कुलर टिश्यूज या लैक वास्कुलर टिश्यूज, और मजीद आप ये कह सकते हैं इसके बारे में नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन, इस तरह के आपसे करेक्टर है बता सकते हैं, बोथ जनरेशन क्या है, इंडिपेंडेंट है। अच्छा, एक और इन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था या मुझे कहा गया था कि आप जब पढ़ाते हैं तो आपने ये लाजमी तौर पर बताना होता है कि एमसीक्यूज कहाँ से बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे जो मैं स्लाइड में पढ़ाने जा रहा हूँ वो टॉपिक टोटली एमसीक्यूज के हवाले से है, नहीं उसमें कोई कंसेप्ट या आपको मैकेनिज्म नहीं बताने जा रहा, जस्ट कुछ मैंने नोट्स बनाए थे और ये आज नहीं बनाए, ये मैंने कभी 2015 में बनाए थे, 8 से 8 साल पहले,
उन्हीं को थोड़ा सा दोबारा राइट किया, रिवाइज किया। तो ये नोट्स हैं, ये आमतौर पे एमसीक्यूज पूछ लिए जाते हैं, लेकिन क्या इसके अलावा और डेटा नहीं होगा? ऐसी बात नहीं है, और भी डेटा है जिसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जी नेक्स्ट स्लाइड तक जाएं जरा। हाँ जी, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले अगर हैबिट एंड हैबिटेट इसमें से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो यूनिसेलुलर थैलस, ठीक है, वो किसके अंदर है? हमने कहा कि वो क्लेमेडोमोनास में है या क्लोरेला में है। एक के बारे में लिखा हुआ है मोटाइल है, दूसरे के बारे में लिखा हुआ है नॉन मोटाइल है। यहाँ पर फर्क देख लें कि जिसके पास फ्लैजेला मौजूद है, यानी कि लोकोमोटरी ऑर्गन मौजूद है, उसको नाम दिया मोटाइल का, जिसके पास मौजूद नहीं है वो नॉन मोटाइल है। अच्छा, कॉलोनियल थैलस, उसमें भी मोटाइल हमारे पास वॉल्वक्स है, नॉन मोटाइल हमारे पास कौन सा है? हाइड्रोडिक्टियन है। अच्छा, लोग यहाँ पर ना अक्सर ये भी परेशान होते हैं कि क्या हमसे एग्जाम में किसी भी एलजी के बारे में पूछा जाएगा? देखें, एग्जाम की तैयारी करना एक टेक्निक है, आपसे ऐसा नहीं है कि किसी भी, हाँ जो चंद एक कॉमन एलजी हैं, जिस तरह वॉल्वक्स पढ़ते हैं हम, क्लोरेला पढ़ते हैं, क्लेमेडोमोनास, आगे आगे देखेंगे पोलिसाइफोनिया, ठीक है, क्लेमेडोमोनास वगैरह, इनके इनके बारे में ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपने कोशिश करना यहीं तक ही महदूद रहना है जो कि आप ग्रेजुएशन लेवल तक जिस एलजी के बारे में पढ़ते हैं। स्टैग्नेंट वाटर में कौन सी मौजूद है? क्लेमेडोमोनास है, वॉल्वक्स है और हाइड्रोडिक्टियन है। स्लो रनिंग वाटर में क्या है? क्लैडोफोरा, ऑर्डोगोनियम, यूलोसेक्स, वाचेरिया। बहरहाल इसको भी अगर आप नहीं भी याद कर रहे तो कोई मसला नहीं, लेकिन चंद एक का पता होना चाहिए कौन से मोटाइल है जिनके पास फ्लैजेला है, जैसे कि आपको इधर क्लेमेडोमोनास के बारे में बताया। वैसे तो आपको भी पता है कि रेड एलजी के अलावा बाकी सबके पास लाइफ में कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पे फ्लैजेला जो है वो मौजूद होते हैं। अच्छा, उसके बाद पिगमेंट्स की बात करेंगे। पिगमेंट्स में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिगमेंट्स वाला, ये लाजमी आपको पता भी होना चाहिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, वैसे भी इम्पोर्टेंट है कि कौन सी एलजी में कौन सा पिगमेंट मौजूद है। क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए तो सब एलजी के अंदर मौजूद है, बी किस में है? क्लोरोफाइटा में है, कैरोफाइटा में है, यूगलिनोफाइटा में है। क्लोरोफिल सी किसके पास है? बेसिलियोफाइटा में, फेओफाइटा में। डी किसके पास? रोडोफाइटा में। ई किसके पास मौजूद है? जेंथोफाइटा में मौजूद है। ये आप लाजमी लाजमी तैयार करेंगे, यहाँ से आपसे एमसीक्यू कुछ पूछा जा सकता है। जी नेक्स्ट। जी नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट ही आया हुआ है आपके पास, शो नहीं हो रहा? मेरे पास नहीं शो हो रहा। चलिए दोबारा। सर शो हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं, रिजर्व फोर्ड वाला। चलिए सर मैं दोबारा से स्क्रीन करता हूँ, शायद हो जाए। सर अब आ रहे हैं? नहीं आ रही स्क्रीन। सर आपके यहाँ मेरे ख्याल से इंटरनेट प्रॉब्लम है। नहीं, का इशू मेरी तरफ तो नहीं है, मैं सिटी में अच्छा हूँ। फिर सर इधर से तो मैंने शो की हुई है वैसे। इधर नहीं शो हो रही। सर आपके पास कोई स्क्रीन शो हो रही है वैसे? कुछ भी नहीं शो हो रहा सर। अब हाँ आप करते हैं नेक्स्ट, या कुछ स्क्रीन पे आ रहा है तो नेक्स्ट करते हैं। जी सर ये नेक्स्ट है, नेक्स्ट है उससे। नहीं हो रही, नहीं शो हो रही। नहीं बाबर साहब इसलिए कहते हैं कि थोड़ा पार्टिसिपेट किया करें, कम से कम ये कंडक्ट ही करवा दिया करें। नहीं छोड़,
स्क्रीन आ रही है या फिलहाल अभी तक नहीं आई? नहीं आ रही, जब आएगी तो मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा। और ये स्क्रीन ये कोई और कंफर्म कर दे, बाकी सबके पास स्क्रीन शो हो रही है या सर के पास ही नहीं हो रही? नहीं हो रही। यस यस जी, शो हो रही है, नहीं हो सर रही को नहीं थी। शो हो रही है, हो रही है शो। कैसे पॉसिबल है सर? सर अभी तक भी नहीं आई आपके पास स्क्रीन नहीं शो हो रही मेरे पास। अगर बाकी लोगों को सर? शो हो कोई मसला, इधर ही बुक से पढ़ाना शुरू। अगर लोगों को शो हो रही है सर आपकी आवाज ही सही नहीं आ रही। मेरे पास से नहीं आ जी सर, आपकी आवाज और जो है ना आपका इंटरनेट मेरे ख्याल से प्रॉब्लम है इस वजह से। सर, आप इसको जरा रिफ्रेश करवा दे तो ये हो जाएगा। यहाँ पे कैसे या तो जी अब शो हो रही है। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, यानी कि नेक्स्ट साथ में जो मैंने पिगमेंट्स का बता दिया, पिगमेंट्स के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपके पास रिजर्व फूड होती है। यहाँ से भी एमसीक्यू उठाया जाता है कि मिसाल के तौर पे ट्रू स्टार्च किसके पास मौजूद है, तो क्लोरोफाइटा है, कैरोफाइटा है, इनमें ट्रू स्टार्च होती है, और पैरामाइलम है, यूग्लिनोफाइटा में होती है, यानी कि यूग्लिना में, लीकोसिन जेंथोफाइटा में, क्राइसोफाइटा में, बेसिलियोफाइटा में, मैनिटोल बहुत मशहूर है, फेओफाइटा में मौजूद होता है। अब यहाँ पर भी सच्ची बात है ना, लोग बहुत ज्यादा रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं, याद करना शुरू कर देते हैं। एग्जामिनर का कभी भी काम ये नहीं होता कि वो इतना टफ क्वेश्चन उठाए कि आप कर ना पाए। तो यहाँ पर जिस तरह मैनिटोल है, फेओफाइटा में इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपने बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं लगानी होती, थोड़ा सा टेक्निक यूज करनी होती है। क्लोरीडीन स्टार्च किसमें है? रोडोफाइटा में, ये भी आप लाजमी याद रखेंगे। सैनोफाइसा में क्या है? सैनोफाइटा में सैनोफाइसिन स्टार्च मौजूद होती है, ये आप इसमें करेंगे। अच्छा, लाइफ साइकिल मैं एंड पे कराऊंगा कि कौन सी एलजी के अंदर कौन सा लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल वाला अलग पेज है, आप नेक्स्ट है उस पे पेज पे चले जाएं इस वक्त। जी नेक्स्ट पेज पूछ लें, अगर बाकी लोगों को नेक्स्ट पेज शुरू हो रहा है तो मैं इधर डायरी से। हाँ ठीक है, आप आ गए, ठीक है। हाँ एक और जिसे हम कहते हैं ना कि इसमें इम्पोर्टेंट चीज जो अक्सर पूछ ली जाती है कि फ्लैजेलेशन, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हर एलजी के पास कोई एक जैसी अरेंजमेंट है, डिफरेंट है। आपने सबसे पहले ये देख लेना है कि दो तरह के फ्लैजेला हैं, एक वाई फ्लैज है जो कि समूह दिखाई दे रहा है, दूसरा टिन सेल फ्लैजेला है जिसके अंदर आपने देखा कि उस पे आप देख सकते हैं कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जैसा कि मौजूद है, उसको हमने नाम दिया टिन सेल फ्लेजेला का। तो यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि टू इक्वल विप्लैश फ्लेजेला किसके अंदर मौजूद है, क्लोरोफाइटा कैरोफाइटा के अंदर, ये आप याद कर लेंगे, आसान भी है। अनइक्वल फ्लेजेला यानी कि एक एक फ्लेजेला कौन सा है, विप्लैश है, और दूसरा कौन सा है, टिन सेल है, ये किसके अंदर है, जेंथोफाइसी के अंदर। और उसके बाद है तीसरे नंबर पे टिन सेल फ्लेजेला, यानी कि एक ही है और टिन सेल है, वो किसके अंदर है, बेसिलियोफाइट फाइटा के अंदर है। नंबर फोर पे बताया कि टू लेटरल इंसर्टेड अनइक्वल फ्लेजेला, यहाँ डायग्राम मैंने शो किया हुआ, आप उसको देख सकते हैं, आसान है कि बल्कि जो नीचे वाले डायग्राम है वहां पर शो किया हुआ है, ठीक है। तो क्या है, टू लेटरल इंसर्टेड, जो नीचे वाले डायग्राम लेफ्ट पे दिखाई दे रही है वहां पे आप देख सकते हैं कि लेटरल साइड पे मौजूद है अनइक्वल फ्लेजेला, एक क्या है विप्लैश है और दूसरा क्या है टिन सेल है। नंबर पांच पे क्या है, ओनली एक्सेप्शन इज ऑर्डोगोनियम इन विच मोटाइल सेल्स हैव क्राउन ऑफ फ्लेजेला, आप देख सकते हैं कि पूरा एक क्राउन जो है वो मौजूद है किसके अंदर, ऑर्डोगोनियम के अंदर। इसको आप खास तौर पे याद रखेंगे, ये बाकी उसे क्या है, यूनिक है, डिफरेंट है, इस तरह के यूनिक करेक्टर ही पूछे जाते हैं। उसके बाद है पायरिनाइड्स,
पायरिनाइड्स क्या है, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है जो क्या करते हैं, स्टार्च को स्टोर करते हैं। तो पायरिनाइड अब्सेंट है किसके अंदर, साइनोफाइटा के अंदर, जेंथोफाइटा के अंदर, कैरोफाइटा के अंदर। इस तरीके से पायरिनाइड विद स्टार्च शीथ, ये किसके अंदर है, क्लोरोफाइटा, पायरोफाइटा और नेक्ड पायरिनाइड्स, ठीक है, यानी कि जिसके अंदर स्टार्च शीथ मौजूद नहीं है, वो कौन से हैं, रोडोफाइटा, एयुग्लिनोफाइटा, फेओफाइटा और क्राइसोफाइटा है। ये भी आप पायरिनाइड के वाले से एलजी में लाजमी तौर पर क्या किया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है। नेक्स्ट पे जाइएगा, नेक्स्ट पेज पे। जी अभी तक शो नहीं हो रहा, देख लें आप आगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर है काइंड्स ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स, फिर पूरा एक पेज बनाया हुआ है। तो यहाँ पर भी आपने सब कुछ याद नहीं करना होता। मिसाल के तौर पे ए प्लेनोस्पोर इंपॉर्टेंट है, वाचेरिया के अंदर मौजूद है, क्लोरेला के अंदर, ये आप कर लेंगे। हिप्नोस्पोर किसके अंदर है, क्लेमेडोमोनास के अंदर है, ठीक है, इसको आप तैयार कर लेंगे। ए काइनेट्स, क्लेडोफोरा है, पिथोफोरा है, उसको, इसके अलावा भी एक काइनेट्स आप देखते हैं जैसा कि खासतौर पर सियानोफाइटा, उनके अंदर भी क्या होते हैं, एक काइनेट्स मौजूद होते हैं। एक काइनेट्स है क्या, आप कह सकते हैं कि ये पायरिनेशन के लिए यूज होते हैं, मतलब एक रेस्टिंग स्टेज होती है। सिस्ट है, एयुग्लिना के अंदर मौजूद होती है। स्टेटोस्पोर डायटॉम्स के अंदर है, मोनोस्पोर रोडोफाइसी के अंदर है, फेओफाइसी के अंदर है, कार्पोस्पोर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ए प्लेनोस्पोर आप फिर भी एक बात याद ना रखें, एकाइनेट्स के बारे में देखिएगा किसके अंदर है, हिप्नोस्पोर ये आप लोग पहले भी पढ़ते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। और उसके अलावा जो आपको बताया, एक मोनोस्पोर यानी कि रोडोफाइसी के अंदर, और कार्पोस्पोर ये क्या, पॉलीसाइफोनिया बट्रैकोस्पर्मम, ये तो आप इसे क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। हार्मोस्पोर्स ठीक है, नेक्स्ट बताया हुआ है कि साइनोफाइसी के अंदर है, और टेट्रास्पोर्स ये भी फेओफाइसी के अंदर, जूस्पोर क्लेमेडोमोनास के अंदर है। सारे नहीं याद करने होते, लेकिन यह है कि जो इनमें से इम्पोर्टेंट है उसको आपने लाजमी तौर पे माइंड में रखना है। अच्छा यहाँ पर ना कुछ इम्पोर्टेंट स्टेजेस बताई हुई हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट स्टेजेस, वो आपने लाजमी तौर पर, इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठाए जाते हैं, अभी भी कुछ मुझसे मिस हो गई है। मिसाल के तौर पर रेड रस्ट ऑफ टी कौन करता है, सेफेलियोरस, ये मुझे याद है जब कभी हम तैयारी करते थे तो एक दोस्त को अगर कॉल कर रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन पूछते थे, जो आपको बताया कि यूनिक स्टेजेस हैं, इंपॉर्टेंट स्टेजेस। मिसाल के तौर पे कॉल की पूछा, हाँ जी ये रेड रस्ट ऑफ टी ये कौन करता है, पैरासिटिकल का, वो सेफेलियोरस है। ये पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने लेक्चर का टेस्ट दिया हुआ है, एपी का टेस्ट दिए हुए हैं, वहां पर ये रेड रस्ट ऑफ टी सेफेलियोरस पूछा जाता था, मैं गलती से इधर नोट्स में ऐड करना भूल गया। अच्छा पाल्मेला स्टेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके अंदर है, एनाबीना के अंदर मौजूद है, और सेफेलियोरस ठीक है लिखा हुआ है, रेस्ट ऑफ टी शायद मैंने कहा बताना लिखना भूल गया हूँ। अच्छा कैप सेल्स किसके अंदर मौजूद होते हैं, ऑर्डोगोनियम के अंदर मौजूद होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइजोइडल सेल्स किसके अंदर होते हैं, यूलोथ्रिक्स में और ऑर्डोगोनियम में होते हैं। मुलस्क शेल पे क्या होता है, ये क्लेडोफोरा एलजी है, मुलस्क शेल पे मौजूद होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो अक्सर जो जूलॉजी के स्टूडेंट जो हमें ये कहते हैं कि हमें पेपर में मेजोरिटी बॉटनी का पोर्शन है, उन्हें मैं ये कहता हूँ कि आप ये इंपॉर्टेंट स्टेजेस भी याद कर लेंगे ना, इनमें से भी आपके कुछ ना कुछ एमसीक्यूज आ जाएंगे। खैर जूस्पोर ये किसके अंदर है, वाचेरिया के अंदर है। पाल्मेला स्टेज किसके अंदर है, क्लेमेडोमोनास के अंदर है। गोंग्रोसाइरा स्टेज किसके अंदर है, वाचेरिया के अंदर। ऑक्सोस्पोर डायटॉम के अंदर। चांट्रांशिया स्टेज ठीक है किसकी तरह होती है, फ्रॉग लाइक होती है, बट्रैकोस्पर्मम के अंदर मौजूद है। जी नेक्स्ट नेक्स्ट पेज अल्लाह करे आ जाए तो ठीक है, वरना हाँ जी हाँ जी। जिस तरह प्रोटोडर्म है, ये बैक ऑफ टर्टल जो है उसके ऊपर मौजूद होती है एलजी प्रोटोडर्म। इस तरीके से गल्फ वीड किसको कहते हैं, सार्गेसम को कहते हैं गल्फ वीड। और सिनोसिटिक अलगा बहुत पूछा जाता है, वो हमने कहा कि वाचेरिया है सिनोसिटिक अलगा, मतलब आप ये कह सकते हैं कि कंप्लीट पार्टीशंस नहीं होती सेल्स के दरमियान। तो उसके बाद कोरोना विद फाइव सेल्स,
क्राउन विद 5 सेल्सियस के अंदर होता है कारा के अंदर है, क्राउन विद 10 सेल्सियस के अंदर नाइटेला के अंदर, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्लग के स्टेज वाल्वस के अंदर मौजूद है। कई एमएससी के स्टूडेंट जब पेपर करके बाहर निकलते हैं उनको नहीं पता होता प्लग के स्टेज किसके अंदर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझे कि ये बॉटनी की ए बी सी है। पॉन्ड्स कम जो है ये हम किसको कहते हैं आमतौर पे, स्पायरोजेरा कहते हैं, एक और नाम भी है वाटर सिल्क के नाम से भी इसको जाना जाता है, और वाटर नेट किसको कहते हैं वो हम हाइड्रोडिक्टेरॉन पहले भी बता चुके। क्लंपिंग ऑफ गैमीट्स बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर पेपर पूछ लेते हैं, एक्टोकार्पस के अंदर मौजूद होते हैं। वहां पे आप देखेंगे कैसे स्पर्म जो है वो एक क्लस्टर बना रहे होते हैं, एक गुच्छा बना रहे होते हैं जिसे क्रम्स का नाम देते हैं। अच्छा, ट्रम्पेंट हाइफी ये किसके अंदर मौजूद होते हैं, लेमिनेरिया के अंदर। और इस तरीके से जो पॉलीसाइफोनिया है वो कुछ एडवांस एलजी है, उसके अंदर पिट कनेक्शन भी मौजूद होते हैं। लार्जेस्ट यूनिसेल्यूलर अल्गा कौन सा है, वो असिटाबुलेरिया है, आपको पता होगा। अच्छा, कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में से भी क्वेश्चन आते हैं, मिसाल के तौर पे एगर, एगर किससे हासिल की जाती है, वो जेलिडियम से हासिल की जाती है और ग्रेसिलेरिया से, दोनों से हासिल की जाती है। और एल्जिनिक एसिड आइसक्रीम में यूज होता है, कहाँ पर, ये जो है फेओफाइटा से हासिल किया जाता है। कैराजिनन कहाँ से हासिल किया जाता है, कॉन्ड्रस क्रिस्पस से हासिल किया जाता है। फोल्डर यानी कि चारा किससे, कैल्प्स सार्गेसम से हासिल किया जाता है। एंटीबायोटिक जैसा कि क्लोरेलिन, सारी नहीं क्लोरेलिन, किससे, क्लोरेला से। बायो फर्टिलाइजर कौन से हैं, वो एनाबीना है, नास्टॉक है बायो फर्टिलाइजर। इस तरीके से आयोडीन कहाँ से, फ्यूकस से हासिल की जाती है। कंजुगेशन, कंजुगेटिंग एल्जी, ठीक है, या कंजुगेशन का प्रोसेस किस में होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, भी ना भूलिएगा स्पायरोजेरा के अंदर। और प्रोटोनिमा किसके अंदर होता है, कारा के अंदर। तो प्रोटोनिमा के बारे में, क्योंकि ये आमतौर पर ब्रायोफाइट्स के अंदर होता है तो खासकर पूछा जाता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कारा जो है वो काफी हद तक उनका रिश्तेदार भी बनता है, तो उसके अंदर प्रोटोनिमा जो है वो मौजूद होता है। नास्टॉक क्या है, नास्टॉक के बारे में कहते हैं कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है किसके किसके साथ, एंथोसिरोज के साथ, तो उसकी रूट्स के अंदर मौजूद होता है नास्टॉक, ये भी आप याद रखेंगे जी। नेक्स्ट पेज, हाँ जी, एनाबीना, ये क्लोराइड रूट्स ऑफ साइकस के अंदर मौजूद होते हैं। गर्डर शेप क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की शेप भी पूछी जाती है अक्सर बाजूकात, ठीक है, तो वो यूलोथ्रिक्स, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, जब आप उसके मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर देखते हैं तो उसमें आपको पता चल जाता है, तो ये उसमें यूलोथ्रिक्स में है। रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट ऑर्डोगोनियम के अंदर। ग्लोब्यूल क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन है कारा का, और नोक्यूल क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है कारा का। ये कुछ देखें इंपॉर्टेंट स्टेजेस कह लें, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कह लें, या कुछ ऐसे यूनिक करेक्टर थे एलजी के इनमें से, ये मैंने जिसे कहते हैं पूरी पूरी बुक्स को पढ़ के और उसमें से ये डाटा निकाला है, ठीक है, तो ये आप इसको लाजमी तौर पे करेंगे, चाहे आप बॉटनी के स्टूडेंट है, जूलॉजी के करेंगे, इतना आप तैयार कर लेंगे, ये आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, उसके बाद रेड एलजी में मैंने कुछ चीज़ें खास तौर पे तैयार की थी, ये मैंने अपने तौर पे तैयार की थी, भूल जाती थी, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो जब हम रेड एलजी पढ़ेंगे तो फिर देख लेंगे। खैर, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लेसेंटल सेल्स ऑफ पॉलीसाइफोनिया, इसमें क्या होता है, स्पोर्टिंग सेल्स होता है, ऑक्सिलरी सेल्स होता है, स्टेराइल फिलामेंट है, ये है क्या, जब तक हम रेड एलजी नहीं पढ़ेंगे आपके लिए ये मुश्किल बात होगी। सिस्टोकार्प क्या है पॉलीसाइफोनिया के, इसमें क्या होता है, प्लेसेंटल एलिमेंट होता है, क्रोमोब्लास्ट फिलामेंट होता है, कार्पोस्पोरेंजिया होता है, पेरिकार्प होता है। सिस्टोकार्प ऑफ जिसे आप कहते हैं ब्रैकोस्पर्मम, उसमें क्या होता है, क्रोमोब्लास्ट फिलामेंट होता है, कार्पोस्पोर होता है, और क्या होता है, कार्पोगोनियम होता है। और स्टोन वर्ड्स किसको बोलते हैं, कारा को, ठीक है, लास्ट में ये पॉइंट रह गया था जी। नेक्स्ट, हाँ जी, देखिए एलजी के अंदर पूछा जाता है कि लाइफ साइकिल कौन सा चलता है, तो लाइफ साइकिल बहुत सारे होते हैं एलजी के अंदर, तो मैं स्टूडेंट से बात लाजमी तौर पे कहता हूँ कि आपने एलजी के लाइफ साइकिल जो है वो आपने लाजमी तौर पर तैयार करने होते हैं, ठीक है, तो लाइफ साइकिल से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। वो क्वेश्चन किस तरह के हो सकते हैं, ठीक है, बाजुकात एग्जाम्पल जो है वो भी पूछ ली जाती है कि इस लाइफ साइकिल में कौन कौन से एलजी जो है उसमें ये लाइफ साइकिल मौजूद होता है। खैर, हम इस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं ये जो लाइफ साइकिल आपको दिखाई दे रहा है, सिंपल ही है, मोस्ट सिंपल जो एलजी के अंदर लाइफ साइकिल है
उसको हम एप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का भी नाम देते हैं। सामने डायग्राम में आपको जो शो हो रहा है इसको हम नाम देते हैं एप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। आपने देखा कि पूरे इस लाइफ साइकिल में सिवाय जाइगोट के हर चीज आपको हैप्लॉइड दिखाई दे रही है। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है, गैमेटेंजिया बने हैप्लॉइड है, गैमेट्स हैप्लॉइड है, सिनगैमी यानी कि जाइगोट बना उनके दोनों के मिलने से। तो जाइगोट जैसे बनेगा फौरी तौर पर इसमें क्या होगी, मायोसिस होगी और फिर दोबारा से मियोस्पोर्स बन जाएंगे, जर्मिनेट करेंगे गैमेटोफाइट जनरेशन। इसको हम नाम देते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। आमतौर पर स्पायरोजेरा इन ग्रीन एल्जी, स्पायरोजेरा है, क्लेमेडोमोनास है, यूलोथ्रिक्स है, इनके अंदर ये मौजूद होती है। कैरोफाइट है उसके अंदर भी ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। नेक्स्ट लाइफ साइकिल दिखाइएगा। जी नेक्स्ट लाइफ साइकिल, हाँ जी आ गया शुक्र। अच्छा ये कैसा लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल को देख के पता चल रहा है वो हैप्लॉन्टिक था तो ये क्या है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। कैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा लाइफ साइकिल में आपको हर जगह 2N दिखाई दे रहा है। जिस तरह स्पोरोफाइट है इसकी 2N है, उसके बाद गैमेटेंजिया है 2N है और गैमेटेंजियन मायोसिस। हाँ गैमेट्स बने वो क्या है, सिर्फ हैप्लॉइड है। जैसा कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में सिर्फ जाइगोट और डिप्लॉइड देखकर हमने उसका नाम चेंज नहीं किया, वैसे ही यहाँ पर सिर्फ आप देख सकते हैं कि गैमेट्स क्या हैं, वो हैप्लॉइड है, फ्यूज करते हैं जाइगोट बनता है, फिर क्या है डिप्लॉइड है, जर्मिनेट करेगा स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी, वो डिप्लॉइड है। इसको हम नाम देते हैं क्या है, ये हमारे पास डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। किसके अंदर है, फ्यूकस है, सार्गेसम है, उसके अंदर ये मौजूद होता है। जी नेक्स्ट, हाँ ये कौन सा हमारे पास लाइफ साइकिल है। अब इसके अंदर आपको दोनों जनरेशन दिखाई दे रही हैं, ठीक है। इसको हमने नाम दिया डिप्लो हैप्लॉन्टिक। कैसे, स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी डिप्लॉइड है, उसके बाद स्पोरंजिया बने वो भी डिप्लॉइड है, स्पोरोजेनिक मायोसिस होगी, मियोस्पोर्स बने वो हैप्लॉइड है, जर्मिनेट करेंगे गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी हैप्लॉइड बन रही है, ठीक है। दो तरह की जनरेशन है, एक स्पोरोफाइट और दूसरी गैमेटोफाइट। उसके बाद उसमें गैमेट्स बनेंगे, फ्यूज करते हैं जाइगोट, क्योंकि इसमें दोनों तरह की जनरेशन है डिप्लॉइड और हैप्लॉइड, इसलिए इसको नाम दिया डिप्लो हैप्लॉन्टिक। आप हैप्लॉन्टिक को याद कर लीजिएगा, ठीक है, लाजमी तौर पर वो सिंपल सा लाइफ साइकिल है। उसके अलावा डिप्लो हैप्लॉन्टिक में आप कह सकते हैं क्लेडोफोरा है, ठीक है, अलवा है, एक आध एग्जाम्पल याद रख सकते हैं कि ग्रीन एल्जी में ये भी लाइफ साइकिल मौजूद होता है। जी नेक्स्ट, हाँ जी डिप्लो हैप्लॉन्टिक के बाद अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आ गया है, हैप्लोबायोन्टिक। मतलब आपको दो जनरेशन जहां पर हैप्लॉइड दिखाई दे रही है, हैप्लोबायोन्टिक भी कह सकते हैं और हैप्लो हैप्लॉन्टिक भी कह सकते हैं। मतलब गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है, सेक्स ऑर्गन हैप्लॉइड है, ये पहली गैमेटोफाइट पहली जनरेशन है। गैमेट्स फ्यूज करेंगे जाइगोट, ठीक है, और उसके बाद जाइगोट में क्या होगी, मायोसिस होगी, ये कार्पोस्पोरोफाइट, ठीक है, ये फिर क्या है प्लाइड जनरेशन, कार्पोस्पोरंजिया उसके अंदर मौजूद होते हैं जो कि कार्पोस्पोर बनाते हैं। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं हैप्लोबायोन्टिक लाइफ साइकिल या हैप्लो हैप्लॉन्टिक। और ये भी आमतौर पे रेड एल्जी जो है उसके अंदर मौजूद होता है। देख लीजिएगा एग्जाम्पल मैमलियन जो है, इस तरह कोई और रेड एल्जी है वो बताया हुआ होगा। जी नेक्स्ट दिखाइएगा, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो लाइफ साइकिल आपके सामने है। कौन सा, हैप्लो हैप्लो हैप्लॉन्टिक। तीन दफा मैंने हैप्लो यूज किया है, हैप्लो हैप्लो हैप्लॉन्टिक। ट्राईएजिक, ट्राईएजिक लाइफ साइकिल है, तीन जनरेशन है, तीनों हैप्लॉइड है। कौन सी, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है, सेक्स ऑर्गन मौजूद है, गैमेट्स बने वो फ्यूज करेंगे जाइगोट, जाइगोट जर्मिनेट करता है, फिर कार्पोस्पोरोफाइट दूसरी जनरेशन, ये भी क्या है हैप्लॉइड है, उसके ऊपर कार्पोस्पोरंजिया अप्लाइड है और कार्पोस्पोर जर्मिनेट करते हैं, चांट्रांशिया स्टेज, फ्रॉग लाइक स्टेज होती है जिसको चांट्रांशिया, ये भी हमने कहा कि हैप्लॉइड जनरेशन है। कौन कौन सी, गैमेटोफाइट, चांट्रांशिया और कार्पोस्पोरोफाइट, तीन हैप्लॉइड जनरेशन है, हैप्लो हैप्लो हैप्लॉन्टिक बट्रेकोस्पर्मम। ये उठते बैठते सोते जागते आपको याद होना चाहिए, ये अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है, बाकी वाले लाइफ साइकिल वो नहीं भी पूछते। मैंने आपसे फिर कहा है कि हम बहुत ज्यादा
जिसे कहते हैं कि जनरल, यानी कि बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें तैयार कर रहे होते हैं जो कि आमतौर पर मिक्स होने वाली होती हैं, कुछ ऐसी होती है जो नीक होती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट वही होती है। नेक्स्ट लाइफ साइकिल दिखाइएगा। अच्छा ये एक और आ गया पॉलीसाइफोनिया के अंदर। पहले हमने कहा था हेप्लो हेप्लांटिक, ये क्या है डिप्लो हेप्लांटिक, मतलब ये भी ट्राई फेजिक है लेकिन इसमें दो डिप्लाइड है और एक हेप्लाइड जनरेशन है। मिसाल के तौर पे गेमिटोफाइड, ये क्या हेप्लाइड है, सेक्स ऑर्गन है, गैमेट्स यूज करेंगे जाइगोट, जाइगोट से क्या बनती है डिप्लाइड जनरेशन कार्पोस, उसके बाद कार्पोस्पोरेंजिया है, उसके बाद कार्पोस्पोर है जर्मिनेट कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद टेट्रास्पोरोफाइट, ठीक है, एक और जनरेशन हमारे पास टेट्रास्पोरोफाइट बनी जो क्या है, हमने कहा कि डिप्लॉइड जनरेशन है। कौन कौन सी डिप्लॉइड थी, एक कार्पोस्पोरोफाइट और दूसरी टेट्रास्पोरोफाइट, इसके अंदर टेट्रास्पोरेंजिया होते हैं, ठीक है, मायोसिस से टेट्रास्पोर बनते हैं, जर्मिनेट करते हैं गैमेटोफाइट, मतलब डिप्लो हेप्लांटिक। इसके अंदर है बहुत मशहूर एलजी है जिसको पॉलीसाइफोनिया के नाम कह देते हैं, उसके अंदर ये लाइफ साइकिल जो है वो मौजूद होता है। तो मेरा ख्याल है कि ये लास्ट ही स्लाइड थी, ठीक है, तो आज का जो लेक्चर था मेरी कोशिश ये थी कि हम वो चीज़ें इसमें से देख लें, सबसे पहले कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं वो आपको बता दिया एलजी को, उसके बाद वो कुछ ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं क्या ये सफिशेंट है, मैं आपसे सच बताऊं तो ये एलजी का जो कुछ मैंने आपको बता दिया पढ़ा दिया है ये सफिशेंट है, ठीक है, मतलब कभी भी वो ऐसे नहीं करते कि आपसे पूछेंगे हाँ जी कब जो है वो आमतौर पे प्लांट जब हम उठाते हैं तो इसमें अक्सर देखते हैं जी पेरिकलाइनल डिवीजन हो रही है, एंटीकलाइनल डिवीजन हो रही है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, इतने सेल्स बन रहे हैं, ये नहीं पूछा जाता। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो मैंने बहुत सारे पेपर जो है उनको स्टडी करके और ये सारा का सारा डाटा इकट्ठा किया था, और मैं बहुत दफ़ा एग्जाम में अपीयर हो चुका हूँ, लेक्चर बॉटनी एपी, ऐसा नहीं है कि टेस्ट नहीं पास होता था, टेस्ट हर बार पास होता था, और इंटरव्यू में एक दो बार या तीन चार बार ऐसे इशू बना, तो उसका एक्सपीरियंस ये हो गया कि मेरे एक्सपीरियंस की वजह से आपको फ़ायदा हो रहा है। खैर मैं मेरी कोशिश ये होती थी कि मेरा टेस्ट जो है वो अच्छा रहे, और हमेशा ही जिसे कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है, या मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेजोरिटी जो बॉटनी के एमसीक्यूज होते थे वो ऐसे होते थे जो हमारी नज़रों से गुजरे हुए होते थे, तो वही चीज़ें यहाँ पे इकट्ठी करके आपके सामने पेश की है। हाँ कल मैं ये लाजमी तौर पर कोशिश करूँगा कि एलजी के फर्दर जो टॉपिक्स है कुछ डिटेल में वो आपको मजीद चीज़ें जो है वो पढ़ा दूंगा, उसमें से कोई डाटा मिला तो हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लेंगे। देखिए बॉटनी में ख़ासतौर पर जब हम बात करते हैं एलजी फंजाई की तो ये टोटली तौर पर क्रैमिंग है इसमें, ठीक है, कंसेप्ट है कम है, इंटरव्यू में क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं, ज़्यादातर ये इसमें क्रैमिंग है, रट्टा है, ये आपको इंटरव्यू में ले जाने के लिए बहुत रोल प्ले करते हैं। बहुत सारे लोग एलजी फंजाई ब्रायोफाइट ट्रिटोफाइट इसको अच्छी तरीके से रिवाइज करके नहीं जाते तो पेपर में रह जाते हैं, ठीक है, तो अगर आप ये चीज़ें तैयार करके गए हुए होंगे तो मैंने बहुत सारे लोग को ये जिसे कहते हैं इस हिसाब से उनको गाइड किया, उनको बताया, और वो लोग इंटरव्यू में अपेयर भी हुए, यानी कि उनका रिटर्न में क्या हो चुके, शॉर्ट लिस्टेड हो चुके। तो ये थोड़ा था मेरा आज का एलजी के वाले से टॉपिक, तो आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन शायद कम ही लोग पूछेंगे क्योंकि इसमें मैंने बताया कि कंसेप्चुअल चीज़ें नहीं है, इसमें ज़्यादातर मेन मकसद था कि नोट्स तैयार करके आपको प्रोवाइड किए जाएं, वो नोट्स ऑलरेडी मेरे पास मौजूद थे, आपको शेयर कर दिए, तो फिर भी कोई बात है पूछने वाली तो पूछ लें, वरना फिर हम लेक्चर को यहाँ पर कम्प्लीट करते हैं। ठीक है सलीम जो, या फिर आप लेक्चर को क्या करें कि यहाँ पे क्लोज कर दें, जीन का कोई क्वेश्चन होगा तो ये मुझसे पूछ लेंगे। एलजी टफ नहीं लगनी चाहिए, ये आपको इंशाल्लाह आसान ही लगेगी, और